मरियम नवाज की नाइट सूट वाली वीडियो लीक होने का इम्कान, बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। ऑडियो वीडियो के खेल में मरियम नवाज की काबिल एतराज वीडियो सामने आने का खदशा बढ़ा तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने भी खामोशी तोड़ दी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि जब वो नैब की कैद में थी तो रात 12 बजे इदारे के अफसरान ने उनके कमरे पर धावा बोला। इस वक्त वो नाइट सूट में थी। धावा बोलने वालों में से एक शख्स ने मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो मुसलसल उनकी वीडियो बना रहा था। मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरा 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। लेकिन नायब सदर ने मजीद कहा कि अगर ये लोग वो वाली वीडियो जारी करते हैं तो इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि एक खातून जो आपके पास कैद है रात के वक्त आकर उसकी वीडियो बनाते हैं। रिलीज करें वो वीडियो ताकि दुनिया को भी पता चले कि आप मरियम नवाज के साथ कैद में क्या करते रहे हैं। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज करते हैं तो इससे ज्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, अच्छा है वीडियो रिलीज करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज के साथ जेल में इन्होंने क्या। वाजे रहे कि मरियम नवाज ने यह बयान जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। तहम सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहस और तकरार का सिलसिला अब तक जारी है।